हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे ब्लॉगर में टेबल बनाया जाता है। बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि थोड़ा बहुत कोडिंग में चेंजेस करना होता है एंड उससे आप टेबल बना सकते थे, मगर इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपका टाइम भी बहुत सेविंग होगा एंड बहुत ही सिंपल तरीके में एंड रिस्पॉन्सिव टेबल अपना ब्लॉगर पोस्ट के लिए बना सकते। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, वर्डप्रेस में तो ऐसे बहुत सारा प्लगइन आ जाता है टेबल बनाने के लिए, मगर ब्लॉगर में टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसमें आप बहुत ही आसानी के साथ अपना टेबल बना सकते हो। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आपको इस आर्टिकल पे आ जाना है एंड स्क्रॉल डाउन करना है एंड मेथड टू पे जाना है। सो मेथड टू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस HTML CSS रेस्पॉन्सिव टेबल जेनरेटर, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपको ये वाला टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लार्ज स्क्रीन के लिए कैसा दिखेगा एंड स्मॉल स्क्रीन के लिए कैसा दिखेगा ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। स्मॉल स्क्रीन मतलब आपका मोबाइल फोन में मोबाइल व्यू एंड लार्ज स्क्रीन मतलब आपका डेस्कटॉप व्यू कैसा रहेगा वो देख सकते हो। इस टूल का खासियत यही है कि यहाँ पे आप कलर कोडिंग कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो इस ऐसा ही प्रीव्यू दिख रहा है। सो इसको मैं कलर वगैरह फटाफट चेंज करके आपको एक टेबल, सिंपल सा टेबल क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जो कि रेडीमेड मेरे पास मैं क्रिएट ऑलरेडी करके रखा था। ये वाला मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करके रखा, ये वाला कलर मैं यहाँ से चेंज किया, यहाँ पे मैं कलर कोडिंग वगैरह चेंज करके रखा। सो ये जो टेबल है इसका डेस्कटॉप व्यू ऐसा रहेगा एंड इसका मोबाइल व्यू कुछ इस तरीके का रहेगा। सो यहां से जो टेबल बनेगा वो एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनेगा एंड बहुत ही बढ़िया एंड गुड लुकिंग टेबल आप यहां से बना सकते हो ब्लॉगर के लिए। टेबल बनाने के एक बार कंप्लीट होने के बाद आप चेकआउट कर लेना, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाएगा। सो अगर ठीक ठाक रहा तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल ऑल प्रेस करके आपको इस कोड को ऑल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर पे आ जाना है एंड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देना है एंड अगर आप ऑलरेडी पोस्ट लिख के रखे हो तो जहां पे पेस्ट करना है वहीं पे आपको जहां पे मर्जी आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पिन आइकन पे क्लिक कर देना है एंड HTML व्यू पे आपको जाना है। HTML व्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे कंपोज व्यू पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये मैं जो टेबल है ये ऑलरेडी मैं बना के रखा था। सो इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। सो प्रीव्यू कुछ इस तरीके का मोबाइल का व्यू आ रहा है एंड इसको अगर डेस्कटॉप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो आप अपना मर्जी के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। अगर इस टूल से आप टेबल बनाते हो तो मैंने देखा बहुत टाइम सेविंग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्ट करना है रो एंड कलम एंड यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बन के आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको जस्ट कलर कोडिंग देना है। अगर देना है तो देना है, नहीं तो नॉर्मल रहेगा, ऐसा रहेगा। और अगर कलर कोडिंग आप चेंज करते हो तो आप अपना मर्जी के हिसाब से कर लेना। मैं ऐसा कलर कोडिंग सिलेक्ट करके रखा था तो ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ से आप अपना मर्जी के हिसाब से कलर कोडिंग चेंज कर लेना। सो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।